मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील निर्णय, राज्य में कार्यरत 10,528 संविदा कार्मिक अब नियमित होंगे। महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत 4,966 एवं मदरसा बोर्ड के 5,562 कार्मिक नियमित होंगे। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10,528 कार्मिकों को नियमित करने हेतु पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है और ये बड़ी सौगात दी गई है। संवेदनशील फैसला इसे माना जा रहा है। संविदा कर्मी जिन्हें नियमित किया जाएगा संख्या 10,528 बताई गई है। इसमें नरेगा में कार्यरत है, साथ ही मदरसा बोर्ड में कार्यरत है। 2022 जो कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स हैं उनके तहत अब नियमित किया जाएगा और लगातार ये मांग भी कर्मचारियों की रहती आई है। संविदा पर लागू जो नियमित किया जाए कर्मचारी मांग रहती है। अच्छा, एक और आपको जानकारी दे दें, जो विजन डॉक्यूमेंट 2030 आज पेश किया गया है, लेकिन जब सुझाव मांगे जा रहे थे तो लोगों की ओर से जो सुझाव दिए गए थे उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करने की बात तो कही थी, रोजगार के साथ साथ संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग भी की गई थी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा, अभी जो फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सामने आया है, सौगातों भरा तो है ही, लेकिन कैसे लाभान्वित होंगे संविदा कर्मी इससे? क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए, उस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, खासकर संविदा कर्मी की अगर हम बात करें, जिसमें मुख्यमंत्री ने पहले ही जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार एक बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लगातार जो है वो संविदा पर काम करे थे किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से। लेकिन अब चूंकि खासकर बात करें प्रदेश में नया कानून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बनाया गया है, तो ऐसे में अब जो अन्य कंपनियों के माध्यम से सेवा ना लेनी पड़ेगी, बल्कि जो सरकार है वो अपने स्तर से ही उनको सुविधा देगी। और जिस तरह से महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जो किया गया है, और इससे न केवल कर्मचारी जो संविदा कर्मी है उनको फायदा मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में उनका भविष्य और सुरक्षित हो पाए, इस तरह का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्णय लिया है। क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो कानून बनाया है उसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बात, खासकर जो 10,528 संविदा कार्मिक है वो नियमित होंगे, और महात्मा गांधी नरेगा में जो कार्य करीब 5,000 और मदरसा बोर्ड के करीब 55 से अधिक कार्मिक है वो नियमित होंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग और जो फर्स्ट रूल बनाए हैं इसके साथ ही जो नए पद है उनको सृजित करने की भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो ये संविदा पे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक तोहफा है, और चूंकि हालांकि कानून जो है वो बन गया था और सरकार के द्वारा फैसला ले लिया गया था, और अब जो इसके तहत जो कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जो संविदा पे कर्मचारी है वो लाभान्वित होंगे, तो इससे जो लगातार एक कह सकते हैं कि कर्मचारी के हित को लेके जो संविदा पे काम कर रहे थे उनके हित को लेकर जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा किया गया। चलिए, शुक्रिया नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।